हमारे लिए परीक्षा की घड़ी खड़ी हुई है, अन्यथा हमारे लिए कोई। प्रणाम पिताश्री। विजय भावपुत्र, विजय। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव। आपने मुझे बुलाया पिताश्री? हाँ पुत्र, बात ही कुछ ऐसी थी कि तुरंत बुलाना पड़ा। क्या बात है पिताश्री? पुत्र, अनुज विदुर का परामर्श है कि यदि युद्ध की घोषणा अभी ना की जाए तो उचित होगा। युद्ध की घोषणा न की जाए? परंतु युद्ध की घोषणा तो हो चुकी है पिताश्री। तो फिर युद्ध को अभी रोक दिया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारी सेना आक्रमण के लिए तैयार है। हमारा हर खड़ग शत्रु का रक्त पीने के लिए व्याकुल हो रहा है और आप कह रहे हैं कि युद्ध को रोक दिया जाए? यह असंभव है पिताश्री। काकाश्री तो सदैव से ही पांडवों का पक्ष लेते आए हैं, जबकि इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि ये हमारे महामंत्री हैं, पांडवों के नहीं। मैं केवल महामंत्री ही नहीं, तुम्हारे पिताश्री का छोटा भाई भी हूं वत्स। तुम्हारा काकाश्री हूं। जो पद मुझे मिला है वो मैंने मांगा नहीं था, बल्कि मुझे दिया गया है। और जो आदर मैं मांग रहा हूं, यदि वो मुझे नहीं मिला तो मुझे इस पद से भी कोई रुचि नहीं होगी। ये सब क्या है? छोड़ो इन सब बातों को। समाचारों के अनुसार परिस्थिति में भारी परिवर्तन आ गया। दूरदर्शिता यही कहती है वत्स कि युद्ध अभी ना किया जाए। अवश्य ही यह परामर्श भी काकाश्री ने ही दिया होगा। कुछ लोग अपनी कायरता को दूरदर्शिता के पर्दे में छिपाने का प्रयत्न करते हैं। परिस्थिति में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया है पिताश्री? पांडवों को ऐसा कौन सा नया बल मिल गया है जिसके कारण हमारे साहस ने दूरदर्शिता का रूप धारण कर लिया है? समाचार है कि भीम का पौत्र बर्बरिक लौट आया है और पांडवों के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध रणभूमि में लड़ने के लिए उतर रहा है। मौरवी पुत्र बर्बरिक, वो नवजात शिशु पिताश्री। सुना है उसके पास ऐसी सिद्धियां हैं पुत्र जिनके कारण हमारी पराजय निश्चित। उसकी शक्ति को पार पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। कुछ लोग अकारण ही हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं पिताश्री। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारी शक्ति के सामने टिक सके। कभी कभी अज्ञानता वरदान अवश्य बन जाया करती है वत्स, किंतु रहती वह अज्ञानता ही है। मेरे ज्ञान को अपने अनुमान की तुलना में तोलने का प्रयत्न मत करना पुत्र, कभी मत करना। बर्बरी की शक्ति का मुझे पूर्ण ज्ञान है और इसीलिए मैं यह नहीं चाहता कि यह युद्ध अभी किया जाए। उसकी शक्ति हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। उसकी शक्ति के सामने तो हम एक पल के लिए भी नहीं टिक पाएंगे। और यह मत भूलो कि यह तुम्हें मैं कह रहा, मैं। और तुम यह भी भलीभांति जानते हो कि कोई भी शब्द मेरे होंठों पर आने का साहस तब तक नहीं कर पाता जब तक उस शब्द की सच्चाई को मैं पूरी तरह से अपनी बुद्धि और अपने अनुभव की कसौटी पर नाप तोल न लूं, उसे परख न लूं। बर्बरीक लोहे की एक ऐसी चट्टान है पुत्र, जिसे टकराकर स्वयं तो टूटा जा सकता है पर उसे तोड़ा नहीं जा सकता। आप शीघ्र ही भयभीत हो जाते हैं काकाश्री। बर्बरीक कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु हमारी शक्ति उसे रौनती कुचलती आगे निकल जाएगी। दुर्योधन को किसी की शक्ति की कोई चिंता नहीं। पुत्र, यदि तुम हठ ना करते और पांडु पुत्रों को 5 घाव दे देते तो इस युद्ध का प्रश्न ही नहीं उठता था। क्या कहा पिताश्री? यदि मैं पांडवों को 5 घाव दे देता तो वे संतुष्ट होकर लौट जाते और यह युद्ध न होता। हां पुत्र, ये युद्ध अवश्य नहीं होता। तो फिर उनके क्षत्रिय धर्म का क्या होता काकाश्री? क्षत्रिय धर्म? हाँ पिताश्री, उनका क्षत्रिय धर्म। उनकी पत्नी के अपमान का क्या होता जो दुर्योधन ने भरी सभा में किया था? क्या वे 5 गांव लेकर उस अपमान को भूल जाते और मुझसे युद्ध न करते? नहीं पिताश्री, कदापि नहीं।
क्षत्रिय धर्म तो ये कहता है कि वे सबसे पहले आकर मुझसे युद्ध करें और अपनी पत्नी के अपमान का बदला लें मुझसे। 13 वर्ष मैंने गदा युद्ध की तैयारी की है यह सिद्ध करने के लिए कि संसार का सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली गदाधारी पांडु पुत्र भीम नहीं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन है। मेरे उस युद्ध का क्या होगा पिताश्री? जिस तरह धनुष से निकला हुआ वाण, हाथ से फेंका हुआ पत्थर और मुंह से निकला हुआ वाक्य वापस नहीं लौटते, उसी तरह ये युद्ध भी नहीं रुक सकता। ये मेरा अंतिम निर्णय है। निर्णय लेने में जल्दी मत करो पुत्र, सोच समझकर निर्णय लेने में कोई हानि नहीं। तो क्या आप भी भयभीत हो रहे हैं पिताश्री? भयभीत नहीं, चिंतित हो रहा हूं पुत्र। कभी कभी शत्रु की शक्ति को कम समझ लेना भी अपनी पराजय का कारण बन जाया करता है। पराजय उनकी होती है पिताश्री जो विजय के योग्य नहीं होते। आप लोगों की चिंता व्यर्थ है। चिंता कभी भी व्यर्थ नहीं होती है पुत्र, चिंता तो चेतना के द्वार खोलती है। तुम्हें बर्बरीक की शक्ति का तनिक भी अनुमान नहीं है। बर्बरीक बर्बरीक बर्बरीक, ये क्या रट लगा रखी आप लोगों ने पिताश्री? उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे पास नहीं? क्या उसकी शक्ति पितामह भीष्म की शक्ति से भी महान है जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है? क्या उसकी शक्ति मेरे मित्र कर्ण की शक्ति से भी अधिक है जिसके पास हर अस्त्र को नाश कर देने वाला ब्रह्मास्त्र है? क्या बर्बरी गुरु द्रोणाचार्य से भी अधिक शक्तिशाली है काकाश्री जिन्हें हर ब्रह्मास्त्र का संपूर्ण ज्ञान है? क्या वो गुरुपुत्र अश्वत्थामा से अधिक महान है जिसका संहार किया नहीं जा सकता? नहीं काकाश्री नहीं, वो नवजात शिशु कुल गुरु कृपाचार्य के सामने एक तिनके के समान है जो हवा के हल्के से झोंके से उड़ जाएगा। और यदि मैं ये कहूं कि हाँ हाँ बर्बरीक इन सब शक्तियों को मिलाकर भी इनसे अधिक शक्तिशाली है तो मैं तब भी यही कहूंगा काकाश्री कि ये युद्ध नहीं रुक सकता, ये युद्ध हो के रहेगा। ये युद्ध अटल है क्योंकि हस्तिनापुर पर राज करना दुर्योधन की विधि का विधान है और हस्तिनापुर नरेश बनना दुर्योधन का भाग्य, और इस भाग्य के लेखे को ना तो आप मिटा सकते हैं और ना ही मैं। इसलिए यह युद्ध होगा और अवश्य होगा। और रहा प्रश्न बर्बरीक का, तो उसकी चिंता आप न करें पिताश्री, उसे मैं देख लूंगा। बर्बरीक के साथ है शक्ति असीम अपार, कांप रहा है आज तो रिश्तों का संसार, रिश्तों का संसार।